أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेटा लेक्चर नंबर 14 केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT की बुनियाद पर हमने गैस लॉस को ड्राइव करना है बेटा एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ तो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो आपके जहन में होनी चाहिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट तो इस लॉ को हम कैनेटिक इक्वेशन से ड्राइव करने जा रहे हैं तो बेटा काइनेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस जो आरजे क्लासियस ने दी थी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार तो बेटा ये इक्वेशन नंबर मैं 1 कर देता हूं अब हमने ये कहा है कि जो गैस लॉज हैं वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं काइनेटिक इक्वेशन से और बॉयल्स लॉ में चूंकि हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट और काइनेटिक इक्वेशन का एक अहम पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है वो कौन सा पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है बेटा उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद है n और जो गैस का मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mc² ये हमने पढ़ा था सी स्क्वायर बार को हम क्या कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं बेटा तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा टी के तो इसको मैं करूंगा 1/2 mc² इज इक्वल टू के टी तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको कर दिया है अब वापस आते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 पे यहां हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है आपने इक्वेशन 1 को बाय 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और कौन सी साइड को करना है बेटा राइट हैंड साइड को करना है तो इक्वेशन 1 की राइट साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करने जा रहे हैं डिवाइड भी करने जा रहे हैं तो ये बेटा पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं डिवाइड भी कर रहा हूं इसको रीअरेंज करते हैं पीवी इज इक्वल टू ये बेटा क्या हो जाएगा 2/3 इस 2 को मैं इधर ले आया 1/2 mc² ये देखिए बेटा 1/2 mc² इज इक्वल टू के टी तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है अगर मैं इसे n मॉलिक्यूल्स के लिए रिप्रेजेंट करूंगा तो ये क्या होगी 1/2 mc² इज इक्वल टू के टी तो मैं इस इक्वेशन को नंबर 2 कह देता हूं ठीक है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 1/2 mc² इज इक्वल टू के टी हमारे पास यहां 1/2 mc² है तो बेटा इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 क्या आ जाएगा ये आ जाएगा के टी अब हमने कहा था बॉयल्स लॉ में बेटा टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है ठीक है तो फिर के भी कांस्टेंट है 2/3 भी कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के प्राइम तो ये बेटा बॉयल्स लॉ हमने ड्राइव कर लिया क्या कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस रिमेंस कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट अब इसी चीज से हम बॉयल्स लॉ की जगह पे चार्ल्स लॉ को ड्राइव करेंगे
तकरीबन मेथड सेम है, लास्ट में यहां पे हम थोड़ी सी चेंज करते हैं। क्या करेंगे, हम चार्विस लॉ की स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। तो बेटा अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं चार्विस लॉ को या चार्ल्स लॉ को, और इसकी बेटा आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि इस लॉ में क्या कहा गया था। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसको हमने कहा था कि रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और कंडीशन क्या थी, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो बेटा ये चीज हमने ड्राइव करनी है, किसकी मदद से आप इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस जो कि है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²/bar। अब बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हमने एक अहम पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसी इक्वेशन से हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बेटा n है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन n मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mNc²/bar विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। c स्क्वायर बार क्या है बेटा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, 1/2 mNc²/bar इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kT। तो बेटा इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 करता हूं, और ये वाली इक्वेशन जो थी ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और डिवाइड कर देना है किसको कर देना है बेटा, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1/2। अगर आप राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आंसर सेम रहेगा। तो मैं इसको कर रहा हूं बेटा पी वी इज इक्वल टू 2/2 × 1/3 mNc²/bar। तो पी वी इज इक्वल टू रीअरेंज करते हैं बेटा 2/3 कर देते हैं, और मैं ब्रैकेट में लेके जा रहा हूं 1/2 mNc²/bar को, 1/2 mNc²/bar इक्वेशन 2 से किसके इक्वल था, के टी से। तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 1/2 mNc²/bar इज इक्वल टू के टी, सो पी वी इज इक्वल टू 2/3 ये हो जाएगा के टी। तो बेटा अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि v इज इक्वल टू 2/3 के टी ओवर पी, तो बेटा प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट है, जब बेटा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपके सामने है k कांस्टेंट है, 2/3 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू k प्राइम टी, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट थी बेटा चार्ल्स लॉ की, जिसको हमने ड्राइव किया, एक्सप्लेन किया किसकी मदद से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पे काइनेटिक इक्वेशन को अप्लाई करके। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ विच इज एवोगैड्रोज लॉ, वो किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं काइनेटिक इक्वेशन की मदद से। तो बेटा अब हम ड्राइव करेंगे एवोगैड्रोज लॉ, तो पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि n1 इज इक्वल टू n2, हम पढ़ चुके हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बेटा ये चीज हमने प्रूव करनी है n1 इज इक्वल टू n2। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो गैसेस हैं, दो सिलेंडर्स के अंदर, गैस नंबर 1 एक सिलेंडर में है, गैस नंबर 2 ये दूसरे सिलेंडर के अंदर है।
तो गैस नंबर वन इसका जो मास है वो एम वन है और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एन वन है और मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो मीन स्केयर वेलोसिटी सी वन स्केयर बार है। गैस टू जो सेकंड सिलेंडर के अंदर है उसका मास एम टू है, उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद बेटा एन टू है और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो सी टू स्केयर बार है। याद रखना है कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है और दोनों गैसेस की टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो सेम हैं। तो इक्वल वॉल्यूम और सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये आपने जहन में रखना है। तो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा कैनेटिक इक्वेशन, ये कैनेटिक इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं फॉर गैस वन। गैस वन के लिए कैनेटिक इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये होगी पीवी इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 square bar। तो बेटा इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर वन, कैनेटिक इक्वेशन बेटा लिखने जा रहा हूं फॉर गैस टू। गैस टू के लिए PV इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 square bar। तो बेटा इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर टू, बोथ गैसेस have equal volume और प्रेशर भी सेम है, ये भी PV है ये भी PV है, तो हम कहेंगे we equate वन and टू, इक्वेशन नंबर वन और टू का हम मवाजना करेंगे जब, तो ये होगा बेटा 1/3 राइट साइड की इक्वल हो जाएगी m1 n1 c1 square bar इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 square bar। ये 1/3 से कैंसल, तो बेटा m1 n1 c1 square bar इज इक्वल टू m2 n2 c2 square bar, दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर थ्री। अब बेटा हम कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के उस अहम पॉइंट की तरफ आ रहे हैं जिसमें हमने कहा था कि कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम है बेटा तो आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बोथ गैसेस की पर मॉलिक्यूल भी सेम होगी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक है किसके लिए फॉर गैस वन वो क्या होगी 1/2 m1 c1 square bar, ये किसके लिए है गैस नंबर वन, और जो काइनेटिक एनर्जी है गैस नंबर टू के लिए 1/2 m2 c2 square bar। बिकॉज बोथ गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी सेम, तो 1/2 m1 c1 square bar इज इक्वल टू 1/2 m2 c2 square bar। हाफ हाफ से कैंसिल होगा, तो बेटा m1 c1 square bar इज इक्वल टू m2 c2 square bar, दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर फोर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर कहता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4। तो बेटा थ्री इक्वेशन को फोर पे डिवाइड करते हैं, पहले लेफ्ट साइड वाले m1 n1 c1 square bar को डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड m1 c1 square bar से, और फिर राइट साइड m2 n2 c2 square bar को डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन फोर m2 c2 square bar। बेटा m1 से कैंसिल होगा, c1 square bar से, m2 से, c2 square bar से, हमारे पास अब क्या बचा हुआ है n1 = n2, जो कि हमने प्रूव करना था विच इज एवोगैड्रोस लॉ। इसमें हम कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने बेटा साबित कर दिया, तीन लॉस हमने ड्राइव किए आज, कौन कौन से बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्नस लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। ओके बेटा।